मौलाना सुफियान निजामी साहब हमारे साथ हैं। जी सर। निजामी साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी। निजामी साहब, मेरे मन में बार बार यही बात आ रही कि जब डंका बज चुका था कि पूरे दुनिया को कोरोना के खिलाफ एक लंबी जंग लड़नी है और पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में खड़ी थी, भारत भी खड़ा था, तो ये कार्यक्रम हुआ ही क्यों? बाकी बातें तो सब बाद की। इस जब होली पोस्टपोन हो गई, होली नहीं मनाई गई, जब बड़ी बड़ी मस्जिदों में दरवाजे बंद हो गए, बड़े बड़े मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, गिरजाघर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, तो ये हुआ क्यों जलसा? ये एक बड़ा सवाल है जो मुझे बार बार व्यथित कर रहा है निजामी साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 13 तारीख का जो इज्तिमा हुआ है, और जाहिर है कि पहले दिल्ली का ऑर्डर भी था, दिल्ली गवर्नमेंट था, तो उसको तो जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ। लेकिन जो 25 तारीख और 23 तारीख की जो घटना है, जो 23 तारीख को 22 तारीख को कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू रहा और फिर 24 को जो ऐलान हुआ, देखिए आपको भी पता है कि जो निजामुद्दीन मरकज है वो पूरी दुनिया से लोग जी बेहतर पता होगा, अरे सीनियर पत्रकार। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि कहीं पे चूक हुई है, मिस्टेक हुई है, वो सबको माननी पड़ेगी, लेकिन ये कह देना कि साहब सिर्फ तबलीग जमात की वजह से कोरोना पूरे हिंदुस्तान में फैला है या फिर उसी को टारगेट कर देना, ये उसकी समझ से ना है। आप देखिए 10 या 11 तारीख को मिताब जी जहां पर लखनऊ में पार्टी होती है सनिका कपूर की, और उसमें हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद रहते हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 22 तारीख को या 23 तारीख को भी तालिबान मध्य प्रदेश में शपथ ली जाती है और हमारे जो मध्य प्रदेश के शिकार चौहान साहब है बड़े मजबे को इकट्ठा करते हैं, उससे पहले इससे पहले जनता कर्फ्यू हो चुका होता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई की जाती है। तबलीग जमात जिसका काम है कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उसके हिंदुस्तान के लोग भी थे, बसेस का इंतजाम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं है, कन्वेंस का इंतजाम नहीं है, चिट्ठी लिखी जाती है, एडिशनल एसपी तक को कहा जाता है, राजनीति करके तमाम चीजों की दरकार की जाती है, और एक तरफ ये कहा जाता है कि जो सब जहां है वहीं पर मुकीम रहे, वहां से बाहर ना निकले, और उसके बाद चिट्ठी लिखने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती है। तो मेरा ये कहना है निलाम जी, जो आपने वाजिब सवाल कहा है कि जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए, जो लोग मरकज के जिम्मेदार हैं उन्होंने मदद मांगी, उनको मदद नहीं मिली, ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और अगर इस तरीके की घटना हुई है, हर शख्स को अपनी जान की आनी है। आप देखें, आप इससे पहले हम मिसाल आपको क्या देंगे, मदीना मुनव्वरा जो मुसलमानों का मरकज है, खाने काबा जो मुसलमानों का मरकज है, वो बंद कर दिया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर से उमरा करने वालों पर पाबंदियां कर दी जाती है कि वो नहीं आएंगे, मकानी लोग उमरा करते हैं, मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है, मस्जिदों से अजान होती है, और हैया अलसला, हैया अलसला की जगह कहा जाता है सल्लू फी रिहालिकुम, अपने घरों में नमाज अदा करो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही इंप्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की गई। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मरकज को जिम्मेदार बनाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इस वक्त में ऐसी राजनीति कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। निजामी साहब, तबलीगी जमात से पहले भी बहुत से केसेस आए हैं, निजामी साहब जिसकी जिम्मेदारी है उसको तय करना चाहिए। निजामी साहब को टारगेट करना मुनासिब बात नहीं। मेरे तराजू में मरकज के मैनेजर, दिल्ली पुलिस, निजामुद्दीन ईस्ट और वेस्ट के निवासी, LIU सब एक बराबर है। निजामी साहब, मुझे ना इससे भय कि इसकी गलती ना बताऊं, ना उसका भय कि उसकी गलती ना बताऊं। जो लोग मरकज के कर्ता धरता है मेरे लिए वो भी दोषी, दिल्ली पुलिस भी दोषी, हजरत निजामुद्दीन थाना भी दोषी, LIU भी दोषी, और वहां के निवासी भी दोषी जिन्होंने ये मजमा लगने दिया। अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बंद हो सकती है तो मजमा क्यों लगने दिया गया? जिनने लगाया वो भी दोषी और जिनने लगने दिया वो भी दोषी। बिल्कुल सही बात है। इसके आगे एक सवाल निजामी साहब, इसके आगे का एक सवाल, चलो लग गया, उसके बाद बिजनौर, शामली, मेरठ, बहराइच, मथुरा,
और देश के अन्य भागों में, मैं तो यूपी का बता रहा हूं, इनमें घरों में ये 12-12, 13-13 लोग विदेशी क्यों मिल रहे? भाई इतना ही सेंस प्रिवेल कर जाता कि चलो जो किया सो किया, अब तो कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने हाजिर हो, माथा चेक कराओ भैया, टेस्ट कराओ खून, ये छुपे क्यों हैं? इनको पुलिस को क्यों निकालना पड़ रहा है? मैं कोई इंडोनेशिया है, कोई थाईलैंड है, कोई मलेशिया है, दुनिया जहान का आदमी पता नहीं कहां का, शामली में गांव में छुपा है, बहराइच में छुपा है, मथुरा में 51 लोग पकड़ के लाए गए। ये कुछ अगर काम ठीक है तो कम से कम इतना तो निभाओ भाई कि मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जान के लिए जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में के पास खड़े हो। पुलिस ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही भाई? ये लोग सामने क्यों नहीं आए? निजामी साहब ये सवाल तो उठेगा ना? बिल्कुल सवाल उठेगा, सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन सवाल को अगर किसी धर्म की आड़ में, किसी जमात की आड़ में, नहीं मैं जमात की आड़ में देखा, निजामी साहब आप मुझे जानते हो, ये घटना वृंदावन में हुई होती तो भी अमिताभ अग्निहोत्री इसी तेवर में बोलते, ये घटना देवबंद में हुई होती तब भी ऐसे ही बोलता, ये घटना अमृतसर में हुई होती तो भी ऐसे ही बोलता, ये घटना निजामुद्दीन में हुई तब भी ऐसे बोल रहा हूँ। आप मुझे जानते हो, आपको एक मिसाल दे दूं, आपको एक मिसाल दे दूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपकी बातों में सत्य होता है, हकीकत होती है, इससे कोई नजरअंदाज, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन अभी मैंने देखा बहुत से चैनल की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये लिखा कि वैष्णो देवी में 400 यात्री फंसे हैं और मरकज में 1500 लोग छिपे हैं। तो ये जो हेडलाइन चलाई जा रही है, ये एक पैमाना इसका होना चाहिए ना, कहीं पर यात्री फंसे होते हैं, कहीं पर यात्री छुपे होते हैं, इन तमाम चीजों को एक पैमाने से देखना। निजामी साहब आपकी बात दुरुस्त। दूसरी बात अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया था मुझसे, मैं उसका जवाब दे दूं। जो आपने बात कही थी कि लोगों को आना चाहिए, यकीनन उनकी गलती है, लोगों को आना चाहिए, सेहत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरी जो जहां पर इस्लामिक लॉ फॉलो हो रहा है, जहां पर लोग 99% मुस्लिम आबादी है, वहां पर लोगों ने शहरों में कर्फ्यू लगा रखा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन यही सूरत हाल हमारे हिंदुस्तान में, आप बता रहे हैं शामली के अंदर हुआ, बिहार के अंदर हुआ, बाहर के जो जमात के हजरात थे उनको निकाला गया, फिर उनको स्वास्थ्य के हवाले किया गया, दीन के हवाले किया गया। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, हम इसकी बिल्कुल कतई तौर पर फैल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एंगल हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा कि जो भीड़ बस स्टैंड पर लग रही है, जो मजदूर हजारों हजारों की तादाद से बस स्टैंड पर, निजामी साहब उनको सैनिटाइज किया, निजामी साहब उसको और इसको एक साथ नहीं रख सकते, निजामी साहब यहाँ उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक है जो मजदूर था, गरीब था, मेरी आंख में उसके लिए भी आंसू था, जब वो सड़क पर चला तब भी मैंने जो कुछ कहा वो उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, लेकिन ये उसकी इससे तुलना नहीं हो सकती। मैं एक छोटा उदाहरण सामने रखता हूं, एक चावल निकाल के हम देख लेंगे देगची का क्या हाल है। लखनऊ में पुलिस को छापा मारना पड़े, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कौन सा देश है, वहां के 6 लोग वहां से पकड़े जाए, क्यों भाई वो लोग खुद सामने क्यों नहीं आए? किस बात की प्रतीक्षा थी, किस बात की प्रतीक्षा थी? और लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे, ये चीजें फैलती रहे। देखिए आप विदेश के नागरिक हैं, आपको तो सबसे पहले कानून का सम्मान करना चाहिए था, दूसरे देश में आप टूरिस्ट वीजा पर आए हैं, ये क्या तमाशा है? हिंदुस्तान कोई चारागाह है क्या कि मलेशिया का, इंडोनेशिया का, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, कहां कहां का आदमी बवाले जान करे यहां? अगर आप इस पैमाने पर जाएंगे तो मैं अमिताभ जी इतना कह रहा हूँ कि जो कजाकिस्तान हो या इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करके जो भी हिंदुस्तान आया है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारी अथॉरिटीज के पास होता है, हमारे लोकल कानून के पास होता है, सबके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन कहाँ गया। मौलाना साहब मेरी तरफ लाख टके का सवाल ये, मौलाना साहब मैं आपका बड़ा अदब करता हूँ। अमिताभ जी मैं
अमिताभ जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे दूं कि आप, लेकिन वो छुपे क्यों? उनको ढूंढने के लिए पुलिस को क्यों छापा मारना पड़ा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो छुपे नहीं है। वहां पर जो आपने लॉकडाउन किया है, 22 तारीख को जो ऐलान किया गया है कि जो जहां पर हैं वो वहीं पर रुके रहे, बाहर ना निकले, मरकज के अंदर ताला लगा दिया। ठीक है निजामी साहब, मैं इस बात का उत्तर दूंगा, मैं उस बात का उत्तर दूंगा। आपने जो सवाल उठाया कि लॉकडाउन के कारण, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं उससे पहले जरा स्वागत कर दूं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हैं हमारे साथ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मैं स्वामी जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बात अपने भाई निजामी जी से कहूंगा। निजामी साहब, लॉकडाउन का इससे कोई लेना देना नहीं। हेल्पलाइन नंबर सबके पास, सबके मोबाइल पर सैकड़ों मैसेज, कलेक्टर लखनऊ को एक फोन करते कि भाई हमारे पास ये 7 विदेशी 14 विदेशी पड़े हैं, इनको ले जाओ, इनके माथे की जांच करो, इनको गोली फोली खिलाओ, ब्लड टेस्ट करो, इसमें लॉकडाउन की क्या समस्या है? आखिर अब लाद के ले गए ना, गए ना एम्बुलेंस में। शामली में भी ये कर सकते थे, मथुरा में भी यही कर सकते थे। 51 लोग घरों से क्यों निकले जब पुलिस को घुसना पड़ा? इसमें लॉकडाउन का लेना देना नहीं महाराज। 25 तारीख को दिल्ली मरकज के जो जिम्मेदारान हैं वो पुलिस को पूरी कार्रवाई बता। नहीं नहीं, मैं तो बात ही दूसरी कह रहा निजामी साहब, मेरा तो फोकस है दूसरा। मैं कह रहा हूँ शामली में, बहराइच में, मथुरा में, मेरठ में, सरधाना में, शामली में आदमी घरों में छुपा क्यों मिल रहा है? पुलिस को दबिश क्यों डालनी पड़ रही है? ये लाख टके का सवाल है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। न्यायाधीश साहब आएंगे आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज, कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी वो सर्वधर्म की जंग थी, भारत की जंग थी। उसमें ना कोई मत था, ना मजहब था, ना जाति थी, ना क्षेत्र था, ना वर्ग था, कोई विभेद नहीं था। 135 करोड़ लोगों की खालिस जंग थी इस बीमारी के खिलाफ। अमिताभ, मैं आज भी इसको धर्म से नहीं जोड़ता, आज भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। ये जो व्यक्ति हैं जिनको सरधाना से पकड़ा जा रहा है, पुलिस पकड़ रही, छापा मार रही है, मेरठ में मार रही है, मथुरा से पकड़ के ला रही है, लखनऊ से पकड़ के ला रही है, कोई कर्गाजिस्तान है, कोई कहां कौन से, मलेशिया से है, इंडोनेशिया से है, सूडान से है, ये क्या तमाशा है भाई? देखिए अमिताभ जी, ये इस बात को आपको समझना होगा। आप ठीक है, मजहबी नहीं, हम भी मजहबी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि जितने लोग आए तबलीगी जमात के और जितने लोग विदेश से आए, वो टोटल जितने थे सब अधिकतर कोरोना लेकर के जो आए वो स्लीपर सेल वाले आतंकी थे, जिन लोगों ने भारत में जानबूझ करके जगह जगह जाकर के फैलाया। आप जरा ये सोचिए कि भारत सरकार और हर सरकार, प्रदेश सरकार ये कह रही है कि कोई भी थोड़ी सी भी चीज हो, अगर एक नॉर्मल परिवार में भी सर्दी जुकाम हो जाए तुरंत परेशान होकर के डॉक्टर को दिखाता है, तो आखिर ये लोग क्यों दुबक के रहे? क्योंकि इन्हें देश में पूरी तरह कोरोना को फैलाना था। ये पूरी तरह आतंकी और सोच समझ के आए थे, ये कोरोना लेके आए थे, ये आत्मघाती लोग हैं। ये जानते थे कि इनका काम काफी हद तक पूरा हो चुका और इनके जो स्लीपर सेल वाले और पूरे देश में फैल और चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं, ये कोरोना का प्रचार कर रहे हैं, कोरोना का प्रचारक बन के आए हैं, कोरोना का आतंक लेकर के आए हैं और जानबूझ करके आए हैं ताकि पूरे घर घर में ऐसे कर दिया जाए। मैं ये कहूंगा अमिताभ जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा अमिताभ जी, मैं आप सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे चक्रपाणी महाराज साहब, अभी चूंकि ये एक इंटरनेशनल मसला था, अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, अब हमारे चक्रपाणी महाराज साहब को एक मुद्दा मिल गया है मुसलमानों के नाम पर। अब इसको कोरोना जिहाद कहा जाए या कोई और जिहाद कहा जाए, ये बिल्कुल उसको तय कर लेंगे। अब इन्होंने ये कह दिया कि उसको स्वीपर सेल की तरफ से यहाँ लाया गया है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी? हर शख्स जो है के लिए और ये इस्लाम के प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम के प्रचार के आड़ में ये आतंकवाद फैला रहे थे, कोरोना बांट रहे थे, और कितने गांव गांव में ये लोग गए होंगे, कहां कहां फैल रहे होंगे ये, इनको तो देखो आप मौलाना साहब बैठे हैं, इनको मुद्दा मिल गया है। मौलाना साहब मुद्दा जिन लोगों को हर चीज में हिंदू मुस्लिम नजर आता है उनके लिए ये मुद्दा है, लेकिन इसको कतई तौर पर सियासी मुद्दा ना बनाए, मजहबी मुद्दा ना बनाए। ये हमारे मुल्क की लड़ाई है, हमारे देश की, हमारी दुनिया की लड़ाई है। ये तो विदेशी है, सरकार से मांग करते हैं इनको तत्काल गोली मारे। मेहरबानी, इसको अपनी सियासत का हरवा इस्तेमाल न करें। चक्रपाणी जी, मैं निजामी साहब दोनों को रोकूंगा, बहुत सम्मान के साथ दोनों मेहमानों को रोकूंगा। एक बात मैं कहूंगा, अगर हम लोग इसको
एक संगठन की गलती, एक संगठन का गुनाह, लोगों का गुनाह, लोगों की गलती मानकर भी बात करें तो भी बात अच्छी होगी। उसको जरूरी नहीं कि हम हर बात को मजहब से जोड़ें। और मैं नहीं चाहता कोरोना के खिलाफ जो देश में लड़ाई चल रही है उसको मजहब में जोड़ के कमजोर किया जाए। ये देश की एकजुटता का समय है, एक साथ शपथ लेने का समय है, एक साथ जीने मरने का मसला है। विदेश से आए भारत के मुसलमानों को भी तो मिल रहे हैं अमिताभ जी, मौलाना को समझना होगा कि जो भारत के मुसलमान है उनको भी जान विदेशी करके, विदेशी जो स्लीपर सेल के आतंकी है उन्होंने देश के मुसलमानों को हमारे बर्बाद किया। हम तो सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरा विश्व आज प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये स्लीपर सेल को घुसाने का जिम्मेदार कौन है? उनको पनाह देने वाले जिम्मेदार कौन है? परिचय आपने दिया है। अरे स्वामी जी, स्वामी जी, मैं निजामी साहब की बात सुन ले, वो आपके आरोपों में कुछ कह रहे हैं जी। इसकी जैसी देखिए चक्रपाणि महाराज जी, इसको कतई तौर पर मजहबी एंगल ना दें, आपको सियासत करने का और भी मौका मिलेगा। एक से उनकी बात सुन ले स्वामी जी, निजामी साहब की बात सुन ले, इसको बिल्कुल मत बांटिए। ये हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया का मसला है, इसको मजहबी एंगल देने की कोशिश ना करें। आपको भी मौका मिलेगा, आप सियासत करिएगा, हम भी उस सियासत में शामिल होंगे। हमारे देश का कोई भी आहत हो रहा है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो तो विदेश से कतई तौर पर मत करें इसको सियासी एंगल ना दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई मत बनाइए, ये देश की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। मस्जिद नबवी बंद है, खाने काबा बंद है, आप किस जिहाद की बात कर रहे हैं? मस्जिद नबवी बंद है, जामा मस्जिद बंद है दिल्ली की, आप किस जिहाद की बात कर रहे हैं? बंद होनी चाहिए, देश की बड़ी बड़ी मस्जिद बंद कर दी गई, छोटी छोटी मस्जिद बंद कर दी गई, जुमे की नमाजें नहीं हो रही है, और आप इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देखकर आपको शर्म आनी चाहिए साहब। आप इतने बड़े होने पर हैं, आप जैसे लोग अगर इतनी छोटी बात करेंगे और कोरोना जिहाद का नाम देंगे तो ये हंसने वाली बात होगी। आपके फॉलोवर आप पर हंसेंगे। कौन है वो, कौन है संरक्षण जो दिया मस्जिदों में? अच्छा एक एक बात, मैं दोनों 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 मेहमानों से पूछना चाहता हूँ एक सवाल। निजामी साहब एक मिनट, एक मिनट, चक्रपाणि जी एक मिनट। जो महामारी एक्ट है भारत का, एक मिनट निजामी साहब, अरे भाई सुनो ना, एक प्रश्न तो सुनिए। जो महामारी एक्ट है भारत का, जो इस वक्त भारत में लागू है हर राज्य में, पूरे भारत की सीमा में, वो कहता है कि अगर आपने जानबूझकर ये महामारी की बीमारी छुपाई है तो आपकी तत्काल गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, आपका इलाज ड्यूरिंग गिरफ्तारी ही होगा। इलाज तो होगा लेकिन गिरफ्तारी के बाद। क्या निजामी साहब आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ये जो तमाम लोग जिनको पुलिस को खींच कर लाना पड़ रहा है घरों से, मौलानाओं के यहां से या और इलाकों से, जिनको छुपे हुए थे, इन सबके खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो? देखिए अगर अगर इन सब तमाम हजरात की जांच होनी चाहिए, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता है और वो छुपाते चले आए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए किसी तरीके का। जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव है उन तमाम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पैमाना एक रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 300 लोगों को विधायक दल की पार्टी देने के पर कोई कार्रवाई नहीं करें, कनिका कपूर को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को बिल्कुल क्लीन चिट दे दें और एक तरफ तबलीगी जमात पर सिर्फ कार्रवाई करें। ये पैमाना बिल्कुल बदलना चाहिए। जो लोग हैं, जिन लोगों ने गैदरिंग की है, उन तमाम के लिए एक पैमाना होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं। चक्रपाणि जी, चक्रपाणि जी, क्या अच्छा एक चक्रपाणि जी, एक सवाल और भी है आपके लिए। भारत में जो भी विदेशी आता है, वो स्टूडेंट वीजा पर आए, वो डिप्लोमेट वीजा पर आए, सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेट वीजा ही है, वो दामाद होते हैं किसी भी देश में, उनकी बड़ी सम्मान और सुरक्षा होती है, स्वाभाविक है, वो राजनयिक है, या टूरिस्ट वीजा पर आए। भारत रिलीजियस वीजा देता नहीं, टूरिस्ट वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, बिजनेस वीजा है और डिप्लोमेट वीजा है, लेकिन उन सब पर एक कॉमन शर्त है, कहीं भी आप हिंदुस्तान में मूवमेंट करेंगे तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म रखेंगे। अब ये जो शामली में पकड़े गए घर में, गांव के अंदर, मथुरा में पकड़े गए, बीहड़ में, मेरठ में पकड़े गए, बहराइच में पकड़े गए, किशनगंज में पकड़े गए, शामली में पकड़े गए, इन्होंने तो किसी पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। इन्फॉर्म किया होता तो पुलिस को इनको पकड़ने के लिए छापेमारी क्यों करनी पड़ती? चकमाणी जी,
अमिताभ जी मानिए मेरी बात को, आप देखिए आज नहीं तो कल आएगा। मौलाना साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं सम्मान करता हूँ, और आप ये देखिए कि ये जो स्लीपर सेल के विदेशी आतंकी आए कोरोना लेकर के, ये इन्हीं के समाज को मार रहे हैं। अभी हिंदुओं में तो पहले गए, लेकिन इन्होंने आतंकवाद किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साहब गोल गोल घुमा रहे हैं। अबे आप समझिए, आपके यहाँ पे मुसलमान प्रभावित हो गए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो रहेगा प्रभावित होगा, पूरा देश प्रभावित होगा। क्यों आप इन आतंकियों की तुष्टिकरण करने में लगे हैं? ये आए टूरिस्ट भाई, कोरोना हिंदू मुसलमान नहीं जानता, आतंकवाद कर रहे हैं। उसने तो हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जितने भी धर्म है दुनिया में सबके अनुयायियों को लपेटा है, ना वो गरीब जाने ना अमीर जाने, सबको जोड़ा है। बोले हॉलीवुड है क्या है, वहां की हीरोइनें भी चपेट में है, प्रिंस चार्ल्स भी चपेट में है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी चपेट में है, और मेरा ननकू और रज्जाक भी चपेट में है। ये कोरोना तो जानता ही नहीं कोई भेदभाव। नियामी साहब, ये खतरा तो उन गांव में जो मुस्लिम बहुल आबादी है जहां ये लोग छुपे रहे, क्या इन्होंने वहां खतरा पैदा नहीं किया? शामली में रहने वाले मुसलमानों के लिए, मथुरा में रहने वाले मुसलमानों के लिए खिलाफ आवाज उठानी चाहिए आप जैसे अच्छे मौलानाओं को। निजामी साहब, अमिताभ जी, पहले पहली बात तो ये है, नहीं पहली बात तो ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, पहले आपको मैंने पहले कहा था, पहले उनको आप देखिए, चेक करिए, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो अपराध साबित होगा। अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है और अगर हाँ जाहिर कार्रवाई करनी है, कार्रवाई हमसे और आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, 24 पॉजिटिव आ गए निजामी साहब, दिल्ली में 24 पॉजिटिव हो गए, 300 का रिपोर्ट आनी बाकी है, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन 300 सीरियस हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हैं, और 24 तो पॉजिटिव आ गए, तो मामला इसलिए गंभीर है। 24 पॉजिटिव आए या 25 पॉजिटिव आए, देखिए अमिताभ जी, 24 पॉजिटिव हों या 25 पॉजिटिव हों, कार्रवाई किसी की शक्ल देख के नहीं की जाएगी। कार्रवाई जो की जाएगी वो हमारे संविधान के तहत की जाएगी, हमारे कानून के तहत की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो तबलीगी जमात का है या मरकजी जमात का। ना, मैंने तो कहा कानून सबके लिए, अमिताभ अग्निहोत्री देश का कानून, अमिताभ अग्निहोत्री छुपाए कि उन पर कानून तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, किस आदमी ने, किस मौलवी ने, किस मंत्री ने, और कोई दूसरा छुपाए तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, कार्रवाई ना करें मौलाना साहब, इसको बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का संविधान, देश का कानून सबके लिए एक है, न हमसे पूछकर, न आपसे पूछकर, न चक्रपाणि महाराज से पूछकर, किसी से पूछकर, कोई जो संविधान कहता है, जो लोग कानूनी तौर पर मुजरिम है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक बात, लेकिन जो लोग धार्मिक रंग देने, मैं उसका उत्तर दूं, चक्रपाणि साहब, जिहाद के रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, निजामी साहब ने आपके जुड़ने से पहले उठाया था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक सिनेमा में गाती है लड़की, क्या नाम है, कनिका कपूर, उसका मामला उठाया था। कनिका कपूर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, बिल्कुल किया है, तब इलाज हो रहा है, इलाज तो अपराधी को भी मिलेगा, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने जानबूझ के जन सामान्य को खतरे में डाला। तो अगर कनिका कपूर के खिलाफ हो सकता है तो ये कजाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं वहां पर भवाले जान, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो भाई? चक्रपाणी जी, अमिताभ जी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू होता है, तमाम सरकार होता है, उसमें मौलाना जमा होती है, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? मौलाना साहब का जवाब दे दीजिए। शिवराज सिंह की शपथ को इस दायरे में नहीं रखा जा सकता, तटस्थ होकर अगर हम सोचे, भारत की संसद भी चली है, भारत की संसद भी चली है, जिसमें हिंदू भी सदस्य है, मुसलमान भी सदस्य है, बौद्ध भी सदस्य है, दलित भी सदस्य है, जैन भी सदस्य है, और वो भारत के 135 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा सदन है। वहां यह तय किया गया कि यह चलेगा, और वहां चेकअप हो रहे थे, ठीक है ना, और वहां जो हुआ, एक मिनट, एक निजामी साहब, अमिताभ जी, आप तो योग्य व्यक्ति हो, एक मिनट महाराज, एक मिनट दोनों के अंतर को समझ लें हम लोग, ये प्रबुद्ध लोगों की सभा है,
ये कोई जनसभा तो है नहीं, चाहे शिवराज की शपथ हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के सत्र हो, चाहे भारत की संसद का सत्र हो, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज रहा हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफर नहीं किया, थॉरो चेकअप के बाद इंट्रियां हुई। हम लोगों का भी थॉरो चेकअप हुआ जब पार्लियामेंट गए, तब इंट्री हुई। वहां ये नहीं कि सूडान से लेकर कजाकिस्तान तक आदमी लिया, होल डाला, सीधे उतरा और बोला जी चलो भाई, और उसके बाद तेलंगाना, अंडमान से लेके और शामली तक, कश्मीर तक, ऐसा नहीं हुआ महाराज। ये अंतर है बुनियादी। मैं आप ही की बात का जवाब, निजामी साहब, नहीं, मैंने आप ही की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये अंतर है, मैं अमिताभ जी, मैं आप ही की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो कजाकिस्तान से आ रहा है, जो कजाकिस्तान से आ रहा है, और आपने जितनी कंट्रीज के नाम बताए, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनकी जांच नहीं की? नहीं करनी चाहिए थी? जब पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस जैसी महामारी का खतरा था, तो क्या एयरपोर्ट से उनको ऐसी बाहर निकलने दिया गया? ये जिम्मेदारी किसकी आयद होती साढ़े है? जिस सरकार की जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मैं शक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, उनको काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे, लेकिन एक बात कह के निजामी साहब के लिए, 350 विदेशी थे, 3000 में से 2600 आदमी यहाँ का था, हिंदुस्तान भर का, वो तो बिना जांच के वहां लट्ठम लट्ठा कर रहा था ना महाराज। इसलिए ये सवाल है, इसलिए ये सवाल है चक्रपाणी जी, संसद की तुलना, संसद के सत्र के चलने की तुलना राष्ट्रपति भवन के कार्यालय की चलने की तुलना क्या हम निजामुद्दीन में चलने वाले मरकज से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखिए, निजामी साहब का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे मौलाना है, लेकिन मौलाना साहब आज बिल्कुल आप गलत रास्ते पे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। मौलाना साहब जो आप उनका समर्थन करने का पाप कर रहे हैं ना, मानवता आपको और आप जैसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन आतंकियों की जो विदेश में कहा है। आपने उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया है, आपने उसको जिहाद का नाम दिया है। चक्रपाणी महाराज जी, डाइवर्ट न कीजिए, आपने उसको जिहाद का नाम दिया है। मैंने इस पर ऐतराज किया, आतंकियों को हो रहा है, आपने उसको जिहाद का नाम दिया, मैंने उस पर ऐतराज किया। और दूसरी बात, मैंने ये कहा है कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए है, सबको एक पैमाने में होना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन तमाम पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल कतई तौर पर मत दीजिए, आप इसको जिहाद का एंगल बिल्कुल मत दीजिए। ये लड़ाई हमारी कमजोर होगी। नहीं नहीं, निजामी साहब, निजामी साहब, मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। हमारे आप में तो इतने लंबे, जैसे हम लोग एक दूसरे से परिचित है, तमाम डिबेट्स में रहे देशभर में, हमारी आपकी बात में कब अलगाव हुआ? एक ही बात करें, मैं भी वही कह रहा हूं, जिन 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 लोगों ने ये पाप किया है देश के प्रति, कि कोरोना पॉजिटिव के साइन और सिम्टम होने के बाद भी घर में छुपे रहे, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह है, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवाद है, ये देश को कमजोर करने का काम है, होना चाहिए। क्यों नहीं आदमी जाता है सामने? मेरा है, जो सामने ना जाए उसके 20 लाठी मारो। मेरा है अमिताभ जी, आपने दूसरी बात की, 20 लाठी मार के भेजो। आपने दूसरी बात कही अमिताभ जी। मैंने देखिए, मैंने ये कहा कि जब एक शख्स एयरपोर्ट से निकल रहा है तो वहां पर उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, उसको क्यों चेक नहीं किया गया कि अगर विदेशी नागरिक हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है तो उसके अंदर कोरोना है कि नहीं है, क्यों नहीं किया गया? कनिका कपूर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, एयरपोर्ट से लखनऊ आ जाती है, मैं फिर मूल सवाल पर लौटूं, क्यों नहीं कराई गई? मैं मूल सवाल, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी, एक मिनट, चक्रपाणी जी, मान लीजिए आपने 5 मई के लिए, 5 अप्रैल के लिए कोई अपना हिंदू महासभा का जलसा रखा हो, तो क्या आपके लिए इस वक्त मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि वो जलसा आप स्थगित करो? बिल्कुल, जब देश स्थगित हो गया तो आपका जलसा क्या लाया? मैं वही बात निजामी साहब से कह रहा था कि जब दुनिया भर में कोरोना का आतंक चरम पर पहुंच चुका था, उसके बाद ये जलसा हुआ क्यों? क्यों देखिए निजामी साहब, क्या जलसा रुक नहीं सकता था? पूरा भारत रुक गया, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था रुक गई, पहिए रुक गए देश के। जलसा किस तारीख को हुआ? पूरा देश भाई निजामी साहब, 10 तारीख को होली थी, और ये इस्लाम का प्रचार, 10 तारीख को होली थी, देश के सारे मुख्यमंत्रियों ने, ये जलसा 13 तारीख को हुआ। एक मिनट निजामी साहब, एक मिनट, 10 तारीख को होली थी, देश का बहुत बड़ा त्योहार था,
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर ममता बनर्जी तक, जो भाजपा की नहीं है, सबने कहा होली नहीं खेलेंगे। अरविंद बाबू ने भी कहा, क्यों? क्योंकि खतरा था सिर पर उस वक्त, इसलिए कहा होली नहीं खेलेंगे। होली नहीं खेलने का फैसला छोटा नहीं था, इस देश के लिए बड़ा फैसला था। उतना ही बड़ा फैसला था कि हमारे दूसरे साथी कभी कहे कि हम ईद नहीं मनाएंगे, ये बड़ा फैसला होता है, ये कुर्बानी भरा फैसला होता है, ये बड़े दिल से होता है। बिल्कुल, ये देश के प्रति प्रेम है तब होता है। उतने बड़े फैसले के बाद भी आंख नहीं खुली क्या कि इस मुल्क ने होली न मनाने का फैसला क्यों किया? क्यों कहा कि हम अपने घर में ही रहेंगे, मिलना जुलना नहीं करेंगे? चटवाणी जी, देखिए उसका कारण यह है कि जिन लोगों ने होली नहीं मनाया वो देश से प्रेम करते हैं, वो मानवता से प्रेम करते हैं, वो जानते हैं कि अगर जो राष्ट्र है तभी हम हैं। लेकिन जिन लोगों ने विदेशियों को ला करके, जो स्लीपर सेल वाले हैं, कोरोना के आतंकी हैं, उनको ला के संरक्षण दिया और उनका समर्थन जो भी अभी भी वर्तमान में कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ FIR का समर्थन करना चाहिए, तो उनकी जांच और एयरपोर्ट और शिवराज चौहान की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हो, गोल गोल घुमाने की बातें कर रहे हो, बिल्कुल आप एक बहुत बड़े पाप को पर्दा ढकने का काम कर रहे हैं, जो कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। कोई भी धर्म कहता है कि सब पहले मानवता है फिर उसके बाद आप वो करो, मानवता के लिए है धर्म, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आप आतंक को ला करके तो संरक्षण यहाँ पे दिया गया, आप बताइए कि 27 लोग आज कोरोना की वजह से और कितने लोगों को एक घर में एक कोई एक एक किसी को पहले हो जा रहा है तो डर जा रहा है। आप जरा सोचिए कि 22-27 लोग एक जगह को, जैसी तंजीमें हमेशा मुसलमानों को इस तरीके की कैटेगरी में खड़ा करती हैं, खड़े करती चली आई है। आज कोरोना का तो बहाना है, इससे पहले भी आपने तमाम तरह इल्जाम मुसलमानों पर लगाए। क्या इस मुल्क के अंदर जुमे की नमाज हुई? क्या इस मुल्क के अंदर जुमे की नमाजें हुई? इस मुल्क के अंदर जुमे की नमाजों पर पाबंदी लगा दी गई? हमारे उलमा ने इस मुल्क के अंदर जुमे की नमाजों को मना कर दिया कि मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज नहीं होगी। नियामी साहब, मुल्क बहुत समझदार है, आप करते रहिए। इस मुल्क ने नवरात्र को घर तक सीमित कर दिया, नवरात्र कभी घर तक सीमित नहीं रहा, कभी मंदिरों को बंद किया गया भाई, चैती छठ घर तक सीमित हो गई इस देश ने किया। हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों ने भी किया, नमाज को घर तक सीमित किया, मंदिर भी ये देश है। लेकिन आप देखिए, आप जितने शक्तिपीठ थे भगवती के सब खाली पड़े हैं, वरना नवरात्रों में वहां मेला लगता था। लेकिन देश है तो मंदिर है, देश है तो हम है। मस्जिद बंद नहीं हुई अमिताभ जी? क्या जामा मस्जिद बंद नहीं हुई? क्या मदीने मुनव्वरा बंद नहीं हुआ? क्या खाने का बंद नहीं हुआ? यहाँ लखनऊ की ईदगाह इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, ईदगाह इश्बाक मुताबिक, मैंने उसका स्वागत किया। कितनी जगह उस पहल में एक जगह नहीं लगती है, एक जगह बंद होता है, एक जगह बंद नहीं किया जाता है तो चक्रपाणी साहब हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि हम देशद्रोही हैं? नहीं, अगर किसी मरकज के अंदर 13 तारीख को इज्तिमा हो जाता है तो ये इल्जाम हम पर लगाएंगे कि हम देशद्रोही हो गए। क्या नाम है? आप मानवता संकट में है भाई, वो जितने स्लीपर सेल वाले थे मुसलमानों में ही घूमे। आप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपका काम है मुसलमानों को गालियां देना, आप बचे रहेंगे। आपको जामा मस्जिद नजर नहीं आएगी, आपको भोपाल की मस्जिद नजर नहीं आएगी, आपको ईदगाह नजर नहीं आएगी। मुझे आ रही है, निजाम साहब मुझे आ रही है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, आपको आएगी अमिताभ जी, मैं उन लोगों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने धैर्य के साथ इस बात को स्वीकार किया कि भगवती की आराधना मन से करेंगे, घर में करेंगे, भाव में करेंगे, मंदिर में नहीं करेंगे। क्योंकि देश है तो बात आगे है, देश नहीं तो भगवती का आसन कहाँ होगा? ये देश नहीं रहेगा तो भगवती का आसन कहाँ विराजेगा? मौलाना साहब, सभी मंदिरें बंद हो गई, नवरात्र में एक जागरण आप दिखा दो कहीं हुआ हो तो रोडों पे। लोग हिंदू चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व की कल्याण की काम नाम करते हैं और आप इस्लाम का प्रचार करे जा रहे हो, विदेशी आकर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे थे चक्रवाणी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको कतई तौर पर हिंदू मुसलमान न करिए, आपको सियासत के बहुत मौके मिलेंगे, आप सियासत करिएगा, चक्रपाणी और मौलाना निजाम। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त एसएन सावत IG जोन लखनऊ हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, IG साहब नमस्कार।
सावत साहब लगता है संपर्क नहीं हो पाया है हमारा, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। निजामी साहब सवाल आपसे एक और है, आपने शुरुआत में ही कहा, आपने खुद कंपेयर कर दिया, कनिका कपूर जिन जिन पार्टियों में शामिल हुई उसको भी मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, हम भी वो वॉरियर हैं सर, हम भी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और किसी एक मीडिया चैनल ने सपोर्ट नहीं किया था उन पार्टियों को, उसके बाद आपकी ये पार्टी हुई, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद हुआ है, और आप इसको सही ठहरा रहे हैं सर यहाँ बैठ के, आपने आपने स्टार्टिंग में भी नहीं कहा सर कि माफी। इसमें एक चीज और जोड़ दूं जी सर, निजामी साहब के लिए, कनिका की पार्टी में जितने लोग गए, निजामी भाई ने तो उनका नाम पूरा नहीं लिया, जयप्रताप की बात है, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, सब ने जितने गए, गए तो बड़े बड़े थे, इसमें कोई एतराज नहीं, सब बड़े ही गए थे, अमिताभ अग्निहोत्री जैसे आदमी नहीं गए थे, है ना, बड़े बड़े गए थे, कहां घुस पाएंगे, लेकिन सबने अपने को खुद आगे किया, जांच के लिए अपनी शर्ट खोली, बाहर दी कि भैया खून निकालो तो जांच करो, और जयप्रताप ने एक बार नहीं चार बार जांच कराई, चार बार खुद गए अस्पताल के, भैया जांच करो, भैया जांच करो, जितने वहां थे। मेरी आपत्ति और मेरी नाराजगी यहां से पैदा हुई कि पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है छापा मार कर, शामली में, मेरठ में, बागपत में, बुढ़ाना में, मथुरा में, बहराइच में, क्यों पुलिस गरीब को खाना बांटे उस काम में लगे कि इनको पकड़े। निजामी साहब मेरी पीड़ा यहां पर है, इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं ना। देखिए अमिताभ जी आपने दो तीन मरतबा मुझसे यही सवाल किया है, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, बार बार इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिन लोगों के जरिए से फैला है, या जो लोग पॉजिटिव हैं, उनको बिल्कुल कतई तौर पर किसी भी गुंजाइश की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक मरकज को टारगेट करके, एक इज्तिमे को टारगेट करके, धर्म को टारगेट कभी नहीं करता, नहीं होना चाहिए, व्यक्ति गलत होते हैं, धर्म गलत नहीं होता। 25 तारीख को खत लिखा गया, कहा गया, पुलिस को बताया गया, एडिशनल एसपी को बताया गया, तमाम तर कार्रवाइयां की गई, लेकिन अगर एक किसी भी चीज को आधार बनाकर आप साहब कहेंगे इस पे जिहाद फैलाया जा रहा है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान सोचता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप की गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपके ऊपर आ जाएगा ना मौलाना साहब, तो पता चलेगा, भगवान न करे कि कोई आपके संकट में आए, इन लोगों ने जितना आतंकवाद फैलाया, हम आपसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप बचेंगे क्या, हम आपसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं चक्रवाणी महाराज जी, हम आपसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और आपसे सर्टिफिकेट मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका काम है, देखिए क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, इस्लाम के बारे में बोलना, भाई जाहिर है कि जो शख्स इस्लामोफोबिया का शिकार होगा उसका कोई इलाज नहीं है, नहीं, आप लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मरकज की बात है तो उसको मरकज तक रखिए, तबलीगी मरकज की बात है उसको मरकज तक रखिए, आप उसको जिहाद तरफ ले जाए, कोरोना जिहाद कहें, स्लीपर सेल कहें, ये आप किस तरफ ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे साथ आईजी साहब जुड़ गए हो, श्वेता जुड़े हैं क्या, तो मैं एक एक बात कहता हूं जो उनसे संबंधित ज्यादा है, पुलिस को इस वक्त वंचित वर्ग की सेवा करनी थी, वो लक्ष्य ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसको ढूंढना पड़ रहा है, गांव गांव में छापेमारी करनी पड़ रही, क्या वो लोग हाथ नहीं खड़ा कर सकते थे कि हां हम वहां थे, हम संदिग्ध हो सकते हैं, हमारी जांच कराओ, एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय होता, भारत से प्यार करने का एक मुजाहिरा होता, ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, लेकिन इसके लिए प्रशासन को लगना पड़ा, पुलिस के अधिकारियों को लगना पड़ा, ये चीज थोड़ी सी अखरती है कि आप छुपे क्यों, और अभी भी छुपे, अगर सब कुछ पाक साफ पाक दामन था तो आपको सामने आके कहना चाहिए था कि मेरी जांच करो, मुसलमान की नहीं है, मुसलमान की बात है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात है, अपील करेंगे निजामी, इन्होंने छिपा रखे हैं। निजामी साहब मुझे लगता है आप जैसे व्यक्ति को जो ओहदा आपके पास है,
अल्लाह ने जो समझ आपको दी, जो दिल दिया आपको, मेरी गुजारिश होगी, ये अपील करनी चाहिए कि जो जो लोग उस मरकज में थे सामने आए। और एक बात मैं कह दूं, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं अपील करने के लिए, एक मिनट सुन लीजिए। जब अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी और उसके बाद 16 दिन बाद जब लोकसभा पहली बार बैठी, 16 दिन तो हंगामा चला, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था, मैं वहां था इस नाते याद है मुझे, उन्होंने कहा था कि जो जो लोग उस कांड में हैं, काम में थे, उनको सामने आना चाहिए कानून की। मैं वही फीलिंग, वही भाव लेकर यहां आया हूं, आपको यह अपील करनी चाहिए कि मरकज में जो जो लोग शामिल थे सामने आए, प्रशासन का सहयोग करें, जांच कराएं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं निजामी साहब। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी आपने अमिताभ जी, मैं आपको अर्ज कर दूं, आपने जो शुरू में मौना खालिद रशीद फिरंगी मैनी साहब की बाइक चलाई है, आपको पता है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जुमे की अपीलें भी की गई, और ये उन्होंने अपनी बाइट में यह बात कहा है कि जो लोग मुलव्विस हैं, जो लोग मरकज गए, उनको खुद आगे आके जांच कराना चाहिए। यह तरीका बिल्कुल कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि आप छुपें, आपको पुलिस निकाले। हम इस बात से बिल्कुल कतई तौर पर, आपको पता है कि हम हिंदुस्तान के और खासतौर पर हमारे समाज के हर मसले पर, हर हसास मसले पर सबसे पहले अपील करने वाले लोगों में से हैं। हमने जुमे की नमाज के लिए सबसे पहले कहा कि जुमे की नमाजें अपने घरों में अदा की जाए। उस पर कुछ हमारे समाज के लोगों ने हम पर तनकीदें की, लेकिन जो समाज के लिए बेहतर होगा हम उस बात को कहने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूं कि मरकज की गलती को मरकज तक सीमित रखा जाए, इसको इंटरनेशनल लेवल की बात न बनाया जाए, मैं मरकज की गलती को मरकज तक सीमित रखता हूं, मैं मरकज के मैनेजर्स के लिए सजा की मांग करता जाए। धर्म को जोड़ता नहीं, ये गलती लोगों की है, संस्था की है, जिसने जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया। चकमाणी जी, देखिए अमिताभ जी, आप कैसे नहीं जोड़ सकते? अरे काम आप ये बताओ, जागरण अगर हम करेंगे तो हिंदू हिंदू कहेंगे ना। अगर इन्होंने ये बुला करके और अपने जलसे कर रहे, कार्यक्रम कर रहे, इस्लाम के प्रचार के नाम पे आतंकवाद फैला रहे, तो ये तो मुसलमानों पे जाएगा ना। ये करे भी और चोरी और उनपे ऊपर से सीना जोरी, ये तो गलत बात है ना। आपको, आप देखिए अभी निजामी साहब ने क्या बोला कि हमने कहा कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे एक जगह इकट्ठे में, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। आखिर कौन लोग है विरोध करना? हमने तो नवरात्रि में कोई जागरण नहीं किया, कोई हिंदू ने विरोध नहीं किया। हर समाज में होते हैं, बात को समझ रहा हूँ। नहीं, हर समाज में होते हैं, माफ कीजिएगा चक्रपाणी जी, हर समाज में लोग होते हैं ऐसे। कोई नहीं होता, हर समाज में लोग होते हैं ऐसे। क्या मंदिरों के वीडियो नहीं आए? क्या मंदिरों से पुलिस ने नहीं निकाला? लेकिन सर, ये क्या मंदिरों से वीडियो नहीं आए हैं, मंदिरों से लोग भागते हुए? देवरिया का वाकया आपको नहीं याद है? अरे कुछ नहीं, अमिताभ जी इनको देवरिया का वीडियो दिखाइए, जहाँ पर एक महिला ने सैकड़ों लोगों को अंदर रखा था, पुलिस ने डंडे मारकर उसको बाहर निकाला। क्या वो हिंदू नहीं थे? बंद किया गया, सब अपने घर से भगवान का नाम ले रहे हैं। देवरिया के अंदर का वाकया है चक्रपाणी जी, आपको खूब पता है। लेकिन आपको इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देना है। मंदिरों के अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है, डंडे मारकर निकाला जा रहा है, क्या वो वाकया आप भूल जाएंगे? आपका सम्मान करता हूँ, आपको अगर भगवान न करे कुछ भी हो तो दुख हमें भी होगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? हिंदू आप जिस प्रकार हिंदुओं पे बार बार हिंदू हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको हिंदू मुस्लिम रंग मत दीजिए। देवरिया के अंदर पुलिस ने एक मठ के अंदर छापा मारा है, वहाँ औरतों को निकाला, बच्चों को निकाला है। चक्रपाणी जी और निजामी साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वक्त नहीं है ये सब बातों का। गलती का एहसास होना चाहिए सर, और अपील करनी चाहिए, प्लीज ये वक्त नहीं है। कुछ सुझाव दे रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री, सुन लीजिए। चक्रपाणी जी प्लीज आतंकवाद से मत जोड़िए सर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम वॉरियर की तरह सड़कों पर हैं सर, दिल दुखता है, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हो गया जो होना था, कुछ सुझाव कुछ अपील। चक्रपाणी महाराज माफ कीजिए सर, कुछ सुझाव कुछ अपील अमिताभ अग्निहोत्री कह रहे हैं सर, प्लीज सुनिए, और रिक्वेस्ट करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में ये अपील पहुंचनी चाहिए सर। आतंकवाद, चक्रपाणी जी ठीक है, मैं दोनों अपने सम्मानित मेहमानों को रोकूंगा। दो तीन बातें हैं छोटी छोटी जो मेरे जहन में है, जिनको मैं कहूंगा। एक तो ये अपील होनी चाहिए केवल मुस्लिम समाज से ही नहीं, देश से भी अपील, देश के स्तर पर अपील होनी चाहिए कि जो भी लोग उस मरकज में थे वो खुद सामने आए। बिल्कुल, उनके लिए, उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए छापेमारी क्यों करनी पड़े? और वो छापेमारी करे तो डाल डाल में पात पात
भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। क्या हुआ मेरठ में, एक घर में 9 लोग मिले विदेशी, क्या कर रहे थे उस गांव में 9 विदेशी, गुल्ली डंडा खेलने आए थे। ये तरीका ठीक नहीं, और इस संकट काल में कतई ठीक नहीं, इसलिए बाहर आना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक बात, मजहब का मसला नहीं, ये इस्लाम वर्सेज हिंदू की लड़ाई नहीं, ये मसला है आदमियत का, ये मसला है हिंदुस्तान का, ये मसला है हिंदुस्तान की सेहत का, ये मसला है 135 करोड़ लोगों की जिंदगी का, उससे खिलवाड़ हुआ है। ये जो भागे हैं लोग, अलग अलग जगहों पर छुप गए, ये कंबल ओढ़कर नहीं सो रहे होंगे, ये इस दौरान दसियों से मिले होंगे, और ये जिन 10 से मिले होंगे वो उन 100 से मिले होंगे, और वो 100,000 से मिले होंगे। अगर इस चक्र को जोड़े तो एक भयावह तस्वीर मेरे मुझे परेशान करती है। ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा चक्र बना हो कोई, लेकिन अगर बन गया होगा निजामी साहब, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लम्हों ने खता की है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। इटली में नारा लगा चाइनीज को हक करेंगे, एक ट्रेंड चला, ट्रेंड आजकल बहुत चलता है, उनकी लम्हे की खता ने इटली को शमशान बनाकर रख दिया, शमशान। मैं इटली के चर्च की तस्वीर आज देख रहा था, वीडियो, ईसा मसीह की मूर्ति और केबल कोफिन रखे थे, केबल ताबूत रखे थे, और सिर औंधा के पादरी बैठे थे। ये तस्वीर हो गई, इटली की सड़कों पर लोगों ने रुपया फेंक दिया, मुद्रा, जीवन खत्म हो गया। इतनी अच्छी लड़ाई को कमजोर कर दिया गया ऐसी मूर्खताओं से, ये मूर्खता नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर निवेदन कर दूं, मेरे लिए स्थान का कोई मोल नहीं, वो निजामुद्दीन में मरकज में हुआ तो भी मैं यही बोल रहा हूं, वो वृंदावन में होता तब भी मैं यही बोलता, वो अमृतसर में होता तब भी यही बोलता। ऐसी मूर्खताएं क्षम्य नहीं हो सकती। आप अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं अपनी मूर्खता से, लेकिन आप देश की जान दांव पर लगाएंगे तो हमको सवाल उठाना पड़ेगा, हमको बीच में आना पड़ेगा। आपको जीवन नहीं जीना, ठीक है, आपने अपना गला काट लिया, अच्छी बात, चलो मुक्त हुए। सिपाही के स्तर का मामला है, पंचनामा करा के भेज देगा लाश। लेकिन आप ऐसी हरकत करेंगे तो जाने अनजाने आप हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। आप एक जगह थूक देंगे तो संकट पैदा हो जाएगा, आप छिनक देंगे नाक तो संकट पैदा हो जाएगा, आप छींक देंगे तो संकट पैदा हो जाएगा। क्या हमने अमेरिका को नहीं देखा, चाइना को नहीं देखा, वुहान की तस्वीरें नहीं देखी, क्या इटली नहीं देखा? प्रधानमंत्री ठीक कहते हैं, हल्के में मत लीजिए, और इस गलत फहमी में कतई मत रखिए, रहिए कि हम तो देव पुरुष हैं, हमको नहीं हो सकता। कोरोना के ठेंगे पर है हिंदू, और ठेंगे पर मुसलमान, और ठेंगे पर ईसाई, जिनको बड़ा नाज था कि दुनिया हम चलाते हैं। अमेरिकन्स वो घुटनों के बल बैठे हैं, घुटनों के बल। अमेरिका कहता था कि दुनिया मेरी मर्जी से चलती है, कोरोना ने कहा कि नहीं, तुम मेरी मर्जी से चल रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण देखिए, पिछले 2 दिन के निराशा से भरे भाषण, हताशा से भरे भाषण। वो कह रहे कि आने वाला समय और कष्टपूर्ण है, और ज्यादा मौतें होंगी, और मैं रोक नहीं सकता। उस दौर में एक बेहतरीन लड़ाई जो बेहतरीन ढंग से लड़ी जा रही थी, 135 करोड़ लोग लड़ रहे थे, ये मूर्खता कैसे हुई? मैं सबसे कहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्माचार्यों को अपनी भूमिका सक्रिय करनी चाहिए। मैं निजामी साहब से भी कहूंगा, मैं चक्रपाणी जी महाराज से भी कहूंगा, और देश के जो तमाम बाबा स्वामी रामदेव हैं, चिदानंद जी महाराज हैं, आसाराम बापू हैं, रमेश भाई ओझा हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे कहूंगा बाहर निकलिए, लोगों को संदेश दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, मूर्खताओं से बचाइए इस देश को, नहीं तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद।